इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन अलायंस रे शामिल हैला अंबुजा सीमेंट। विश्वर प्रथम सीमेंट कंपनी भावे अंबुजा एही अलायंस रे शामिल। पेरिस एग्रीमेंट अनुसार अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन अनुष्ठान रे नेट जीरो ट्रांजिशन को प्रोत्साहित करने को विश्वर विभिन्न क्षेत्र में काम करुवा कंपानी गुड़िक रही। तेरे अंबुजा सीमेंट निर्माणकारी विश्वर प्रथम कंपानी जिकि अलायंस फॉर इंडस्ट्री डिकार्बोनाइजेशन रे सामिल होई। सीमेंट उद्योग को हार्ड टू अबेट उद्योग कहुई था। यार अर्थ यही उद्योग गुड़िकाई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करवा सठिक होता है, किंतु 2050 सुधा नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने को लक्ष्य रखी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। कंपनी रो एही टारगेट को वैध घोषणा करी साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। ग्रीन एनर्जी प्रतिबद्धतार अंश भाव अंबुजा सीमेंट 1 GW क्षमता विशिष्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्प में 10,000 कोटी टंका निवेश योजना रखी। 376 MW एनर्जी वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम रो मिलवाक 2028 सुधा होगाक संप्रसारण 60% ग्रीन एनर्जी रे परिचालित हो। वर्तमान अंबुजा सीमेंट 8.6 मिलियन टन आवर्जनारु प्राप्त संबल व्यवहार करुवा बेले 2024 आर्थिक वर्ष रे 11 गुणा वाट्र पॉजिटिव एवं 8 गुणा प्लास्टिक नेगेटिव रही। अंबुजा सीमेंटर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करण अदानी कहते अंबुजा सीमेंटर यार निरंतर यात्रा रे आउ एक दृष्टांतमूलक सफलता हासिल कर। आफेड्र उद्देश्य उद्योग मानक कथबार्तार क्षेत्र प्रस्तुत करने कंपानी गुड़ी निज देश प्रतबद्धतार अनुरूप सठिक डिकार्बोनाइजेशन रणनीति को विकसित करने लगी सहयोग हाथ बढ़ावा। अलायंस मध्य समन्वय अंतराष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेन्सी रही है। अंबुजा सीमेंट अदानी ग्रुप्र सीमेंट कंपानी एक अंशीदार संस्था। यह सहयोगी संस्था एसीसी लिमिटेड एवं सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड सह मिलित भावे यार उत्पादन क्षमता वार्षिक 78.9 मिलियन टन। सेपरि देशरे यार 18 इंटीग्रेटेड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रही बेले 19 सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।